नमस्ते, अधिकारी नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सब छोटा मोटा दुकान करके बस। क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है, 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे? हाँ, है ना, फिर वो आप वो तो ठीक हो गया? हाँ, अभी तो रुका हुआ, नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं। आके हम लोग को बार बार मत जाना है, पढ़ाई लिखाई का जाना है। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम था, आधे में लगाए आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रही है। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल पार करके सर जाते हैं। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो, शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी, अगर टंकर देता है उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। महंगाई इतना है, बहुत ज्यादा सिलेंडर कर दिया है, 1200-1200 रुपए सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं, फिर भी सिलेंडर हमारा 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता सिलेंडर, वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से, टेंशन में रहती है कब निकाल देंगे यहाँ से। काम करने जाओ, पीछे से अल्लाह हो जाता है, बुलडोजर आएगा, काम छोड़कर भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, हम लोग बहुत। आप लेबर का काम करते हो क्या? नहीं, सब कोठी में काम करते, सब कोठी में। तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो तो हमारे पैसे नहीं, हम आपको कहाँ से बढ़ाएंगे? महंगाई हम कहाँ से चलेंगे? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, तक उनको स्कूल पूरी सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बनाते वो खाना दे। जब आप पैसे नहीं दो, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की, अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10th में ऐसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं। वो जूता भी सेट है। हाँ, मैं सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35-40 रुपए किलो से नीचे नहीं मिल रहा, गेहूँ भी कम हो गया है। तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 रुपए से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। इतना महंगा कर दिया आटा, 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के। मिडिल क्लास अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। ये प्रॉब्लम। क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600-1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम आपको ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का है। मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद। और दूसरी, उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इनक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए अक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी, ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था नहीं देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए, हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवे के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए, तो जहां झुग्गी जहां मकान तो बोलते हैं पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को भाभी भी तोड़ रहे हैं, रुका हुआ है ना।
पूरा साल से रहते सर, कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी चल गई सर, सब चीज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार।